राजस्थान के झुंझुनू में कलेक्टर से लगाई रेप पीड़िता ने गुहार, कहा 2.5 महीने से नहीं हुई है आरोपी की गिरफ्तारी, आत्महत्या करने की धमकी। झारखंड के पाकुड़ से हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन जारी, मनरेगा और बीड़ी उद्योग हुए ठप। खटीमा में फिरौती के लिए 5 साल के मासूम के अपहरण के बाद हत्या, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पिता के परिचित निकले अपहरणकर्ता। एमपी के छतरपुर में 10वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर लगाई खुद को आग, पुलिस ने मनचले को किया गिरफ्तार, छात्रा की हालत नाजुक। राजस्थान के 12 जेल प्रशासन का अनूठा प्रयास, कैदियों को दी जा रही है योग की शिक्षा। राजस्थान के कोटा में शिकारियों के जाल में फंसा तेंदुआ, 6 घंटे के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुओं को कराया आजाद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 12 फीट अजगर मिलने से हड़कंप, वन विभाग के कर्मचारियों ने इस अजगर को पकड़ लिया। 118 यात्रियों को ले जा रहा लीबिया का विमान हाईजैक, माल्टा में उतारा गया, 2 अपहरणकर्ताओं ने ग्रेनेड से उड़ाने की धमकी दी। मारा गया बोलन के बाजार पर ट्रक से हमला करने वाला संदिग्ध, इटली के मिलान में हुई मुठभेड़। ड्यूअल कंट्रोल को लेकर जीएसटी काउंसिल में नहीं बनी बात, सीजीएसटी एसजीएसटी बिल को लेकर हुई चर्चा, अब 3 और 4 जनवरी को दोबारा होगी बैठक। उठापटक के बीच हुआ बाजार में कारोबार, कारोबारी सत्र में निफ्टी ने 7950 का स्तर तोड़ा, सेंसेक्स 61 और निफ्टी 7 अंक चढ़कर बंद। यात्रियों ने जेट एयरवेज का नया फरमान, पावर बैंक्स लेकर सफर करने पर लगाई रोक, लगेज के साथ चेक इन में डालना होगा पावर बैंक, मोबाइल चार्जर पर रोक। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में नहीं खेलेंगे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी, शमी के दाएं घुटने में चोट लगी, इंग्लैंड के खिलाफ 15 जनवरी से शुरू होनी है वनडे और टी20 सीरीज। जस्टिस लोढ़ा की सिफारिशों को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर का बयान, कहा मौजूदा हालात में क्रिकेट और क्रिकेटर्स के हित नहीं देखे जा रहे हैं, अगली सुनवाई तक करें इंतजार। इंग्लैंड के खिलाफ चेन्नई टेस्ट के हीरो करुण नायर और केएल राहुल रणजी ट्रॉफी मुकाबले में हुए फ्लॉप, कर्नाटक की पूरी टीम हुई 88 रन पर आउट, नायर 14 तो राहुल हुए 4 पर आउट। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया अंडर 18 एशिया कप में जीता ब्रॉन्ज मेडल, हॉकी इंडिया ने किया खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख के इनाम का ऐलान। ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का बयान, 216 रहा शानदार साल लेकिन 2017 में वर्ल्ड नंबर 1 बनना होगा मकसद। फीफा की वर्ल्ड रैंकिंग में 135वें स्थान पर पहुंची भारतीय फुटबॉल टीम, बीते 6 साल में टीम की ये सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग। आमिर खान की मच अवेटेड फिल्म दंगल हुई रिलीज, पहले दिन सिनेमाघरों में हाउसफुल रहे सभी शो, देखने वालों ने कहा फिल्म देती है जीतने की प्रेरणा। फिल्म में दिखाए गए सोशल मैसेज की वजह से दंगल को 12 राज्यों में टैक्स फ्री करवाना चाहते हैं आमिर खान, कहा चाहता हूं फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। मुंबई में दंगल की स्क्रीनिंग में पहुंचे बॉलीवुड सितारे, एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा ने भी दिया मिस्टर परफेक्शनिस्ट को थम्स अप, सलमान खान ने भी की तारीफ। फिर साथ में दिख सकते हैं प्रियंका और शाहरुख, संजय लीला भंसाली की फिल्म गुस्ताखिया में कास्ट करने की तैयारी, साहिल लुधियानवी की जिंदगी पर आधारित होगी ये फिल्म। सलमान खान अपने दोस्त और फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या के बेटे अवनीश के बॉलीवुड डेब्यू में करेंगे मदद, सलमान के साथ सूरज बड़जात्या बना चुके हैं कई फिल्में। एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ रिलेशनशिप र्यूमर्स को कैटरीना कैफ ने बताया गलत, कैफ ने कहा आदित्य और वो हैं सिर्फ अच्छे दोस्त। न्यू ईयर और उससे पहले क्रिसमस सेलिब्रेशन में बिजी हुई एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस, सेंटा बनकर मुंबई में बच्चों के साथ किया सेलिब्रेट।